बिल्कुल, यानी लॉ एंड ऑर्डर और बात करें हम कनेक्टिविटी, जो आपने तमाम एक्सप्रेसवे दिए हैं वो एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप 6 साल पहले आपने प्रदेश की कमान संभाली थी, लॉ एंड ऑर्डर की बात आप बार बार कहते थे अपने भाषणों में, तब क्या कोई ब्लूप्रिंट था उस वक्त कि भाई उत्तर प्रदेश को मैं कैसे एक इंडस्ट्रियल हब, कैसे एक इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए यहाँ लेकर आऊँगा इंडस्ट्रीज़ को, कोई ब्लूप्रिंट तैयार था उस वक्त? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जब 17 में बागडोर संभाली थी, भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश की जनता ने अपना व्यापक जन समर्थन दिया था, उस समय लोगों के सामने ये सभी प्रश्न थे जी। कि क्या होगा। मुझे बागडोर दी गई, मैंने अपने स्तर पर प्रयास किए, मेरे पास वे सभी अनुभव थे कि कैसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कुछ संगठित आपराधिक माफियाओं के हवाले गिरवी करके रखा हुआ है, कैसे सत्ता के संरक्षण में सब माफिया पलते बढ़ते हैं और फिर यहाँ के व्यवसायियों के लिए, यहाँ की बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, कैसे इन्होंने पूरे प्रदेश को अराजकता की आग में झोंका हुआ है। ये सभी चैलेंज हमारे सामने थे और उन्हीं को लेकर के हमने अपने कार्यक्रम भी बनाने प्रारंभ किए। आज परिणाम है, उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं, प्रदेश में कहीं भी कोई कानून व्यवस्था का संकट नहीं है। और ये कानून व्यवस्था का जो संकट जिन लोगों ने पैदा किया था, उन्होंने यूपी के नौजवानों के सामने भी पहचान का एक संकट खड़ा किया था जी। यहाँ का नौजवान अपनी पहचान छुपाता था, आज कम से कम यूपी का नौजवान बाहर जाता है तो अपनी पहचान को छुपाता नहीं है, वह भी अन्य राज्यों की तरह कह सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, मेरी जन्मभूमि यूपी है, ये वह भी गौरव के साथ बोल सकता है। और उत्तर प्रदेश का नागरिक आखिर गौरव की अनुभूति क्यों नहीं कर सकता है? उसने किया है, वो कर रहा है।